पोर्ट ब्लेयर दौरे से वापस लौटे नगर निगम शिमला के 28 पार्षदों को सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने विरोध स्वरूप फूलों की मालाएं भेंट की है। रवि कुमार ने कहा कि पार्षद जनता की समस्याओं से मुंह मोड़कर अपने दौरे में व्यस्त रहे। सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने नगर निगम के पार्षदों के पोर्ट ब्लेयर दौरे को लेकर अपना रोष प्रकट किया है। रवि कुमार का कहना है कि राजधानी शिमला में हाल ही में बर्फबारी की वजह से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिमला शहर में जनता के प्रतिनिधि पोर्ट ब्लेयर दौरे पर थे। अपने रोष स्वरूप रवि कुमार ने इन पार्षदों को फूल मालाएं भेंट की। रवि कुमार ने सवाल किया कि पार्षद जनता को बताए कि वो क्या सीख कर आए हैं। उन्होंने कहा कि पार्षद, महापौर और उपमहापौर समय समय पर अपने दौरों पर रहते हैं, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वे ये बताएं कि वे वहां से जो सीख कर आए हैं उसे यहां पर अमल में लाया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि पार्षद जनता की समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले 5 दिन में शिमला शहर की जनता तड़फ रही थी अपने पार्षदों के लिए, जिन्हें उन्हें चुना गया है। शहर में जो जिस तरह की परिस्थितियां आप भी जानते हैं, शहर की जनता आज बर्फ पड़ने की वजह से जो है उनकी टांगें टूटी, सैकड़ों लोग IGMC में भर्ती है और रास्तों के हालत 4 दिन तक 5 दिन तक जो है ये हमारे पार्षद बेखबर रहे, अपने ऐश परस्ती में वहाँ पर घूमते रहे। हमने चलो मान गए वहाँ पर आप सीखने गए थे, हम इनसे ये जवाब मांगना चाह रहे हैं कि आप बताइए आपने इस शहर की जनता के लिए आप क्या स्कीमें लाए हैं। पिछले 4 साल का जो अपना जो अपने ढाई साल का हिसाब दो, जब आप टूर पर जाते हैं सरकारी महकमा अमला तमला सारा इनका सब साथ चलता है, हजारों करोड़ों लाखों रुपए का खर्च होता है, जनता की जेब से खर्च होता है। आज लोअर बाजार के व्यापारियों का आपके गंज बाजार के व्यापारियों के ऊपर किराए बढ़ा दिए गए, उसके ऊपर GST लगाया जा रहा है, शहर में लोगों को भारी भरकम पानी के बिल दिए जा रहे हैं। ये जो विरोध था ये मैं फूलों की मालाएं 28 पार्षदों को लेकर आया हूँ जो गए थे, और उनको जो है ये हमने मेयर के महापौर के समक्ष दी है, महापौर से अर्ज की है, अरदास की है कि ये जो हमारे सपूत आए हैं, सीख कर आए हैं, इनको जो है एक एक माला जो है सबको पहनाई जाए और विशेष सदन बुलाकर जो है इनसे जवाब लिया जाए कि आपने शहर के लिए क्या किया है। नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने रवि कुमार के रोष जताने के तरीके को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्षदों के दौरे पर जाने से किसी भी तरह की समस्या पेश नहीं आई है और वो लोग सरकार के कहने पर ही गए थे। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से जो है हम रवि जी यहाँ आए, और मैं तो सिविल टूर पे नहीं गई थी, हमारे जो सहयोगी कौंसलर गए थे वो बाकायदा सरकार से परमिशन लेके गए थे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो हमारे काम शुरू होना है बहुत जल्दी, जिसके हमारे टेंडर भी लग चुके हैं, उस स्मार्ट सिटी के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए ये वहाँ गए थे। मैं इन्हें तो अलग से जो है नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी का अलग से इनका वो देना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था कि ये लोग जो है रात को 2 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक जो है बर्फ हटाने में काम आए रहे, तो इस तरह का इनको जो इनको शाबाशी देनी चाहिए थी। मेरे को बहुत दुख की बात है कि इस तरह के ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए शहर में, और मेरी लोगों से भी यही अपील है कि आप हमारा सहयोग दीजिए, इस तरह की ड्रामाबाजी से दूर रहते हैं। मैम, उनका कहना है कि हर बारी जब भी संकट आता है शहर में, चाहे बर्फबारी हो, पेयजल संकट हो, तो जनप्रतिनिधि दौरे पर जाते हैं, लेकिन हकीकत में भूमिगत कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल गलत आरोप है, सरकार ने इन्हें भेजा है और ये वहाँ से कुछ सीख के लाए हैं जो हम यहाँ अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।